हेलो दोस्तों, फाइनली मैं चेन्नई स्टेशन पर पहुंच चुका हूं। अब चेन्नई स्टेशन से जा रहा हूं अपोलो हॉस्पिटल की तरफ। उस जगह का नाम है ग्रीम्स रोड। और एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। चले फटाफट से चलते हैं ग्रीम्स रोड की तरफ। और मैं इस वीडियो को इसलिए बनाया है ताकि जो लोग अपोलो हॉस्पिटल आते हैं चेन्नई या इग्मोर स्टेशन पर उतरते हैं, उनको ये समझ नहीं आता है कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो सबसे पहले चेन्नई सेंट्रल में उतरकर ऑटो वाला को बोलना ग्रीम्स रोड अपोलो हॉस्पिटल जाना है। ऑटो का किराया 150 लेगा, तो ज़्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट का अंदर ही पहुंच जाता हूं। तो और चेन्नई सेंट्रल स्टेशन से है ग्रीम्स रोड 3 या 4 किलोमीटर का आसपास होगा, ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ पे लोग आकर ये गलती करते हैं, ऑटो वाला मुंह बोले कीमत मांगते हैं, जैसे मांगते वैसे दे देते हैं, उनको ये नहीं पता है कितना दूर है। तो मेरे हिसाब से अगर आप ऑटो से जाना आना चाहते हैं ये, तो ऑनलाइन में बुक कीजिए, ओला है, उबर है, इससे बुक करेंगे तो किराया भी कम लगेगा और ख़र्चा भी कम होगा। तो फटाफट से चलते हैं अपोलो हॉस्पिटल की तरफ। और मैं चेन्नई हॉस्पिटल इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरा 6 महीने पहले बीमार हुआ था, मैं सर्जरी कराया था चेन्नई अपोलो हॉस्पिटल में। तो उसी चेकअप के लिए मैं चेन्नई हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो फटाफट से चलते हैं। और दोस्तों, चेन्नई हॉस्पिटल बहुत जगह से लोग आते हैं, बाहर कंट्री का भी, बांग्लादेश से भी आते हैं, बाहर मुल्क से भी आते हैं। वहाँ पे हर किस्म के इलाज होते हैं इमरजेंसी में, तो जिसका भी इमरजेंसी रहता है वही लोग ज़्यादातर अपोलो हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं। तो मेरा डॉक्टर भी, मेरा इमरजेंसी था तो इसलिए मुझे भी अपोलो हॉस्पिटल रेफ़र किया था। तो मतलब जिसका इमरजेंसी रहता है उसी को रेफ़र करते हैं चेन्नई हॉस्पिटल की तरफ। हाँ, ऐसे में वो बात नहीं, सिर्फ चेन्नई हॉस्पिटल में करते, दूसरे जगह की भी रेफ़र करते, वो डॉक्टर देखते कहाँ पे सुविधा मिलेगा कहाँ पे नहीं मिलेगा, तो उसी हिसाब से रेफ़र करते। अगर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, आप अगर कभी चेन्नई अपोलो हॉस्पिटल में या चेन्नई कहीं पे आए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप कमेंट में ज़रूर बताना ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, इंडिया से या इंडिया के बाहर से। और ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ी दूर पर अपोलो हॉस्पिटल है, ज़्यादा वक्त तो नहीं लगेगा। और वहाँ पे जाके आप लोग ये काम ज़रूर करना है, वहाँ पे कमरा का बहुत किराया लेता है। तो पहली बार अगर कमरा बुक करना है तो पहली बार 3 दिन का ही करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि अगर आप कमरा बुक करेंगे तो कम कीमत वाला बुक करना, क्योंकि अगर आप 1 दिन भी रहेंगे फिर भी 3 दिन का किराया देना पड़ेगा, वहाँ का वो ये कानून है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप कमरा बुक करेंगे तो कम कीमत वाला बुक करना, ज़्यादा कीमत वाला मत करना, क्योंकि फिर पैसा बेकार जाएगा। तो वहाँ पे जाके मुझे कमरा भी ढूँढना है, बहुत टाइम की बात है। तो शायद मैं अगर वहाँ तक वीडियो नहीं बना पाया, सिर्फ कमरे के वीडियो दिखा देंगे इंशाल्लाह। बस ज़्यादा दूर नहीं है, अपोलो हॉस्पिटल का साइन बोर्ड वो दिखाई दे रहे हैं, बस यही आसपास मुझे उतरना है। और यहाँ पे उतरकर पहले खाना वाना खाकर फिर कमरा ढूँढेंगे। ये हमारा रूम है, यहाँ पे मतलब 2 कमरा है, 4 बंदा रह सकते हैं। ये इसमें 2 बेड और अपना सामान, और ये बाथरूम है, और ये दूसरी रूम है, और
इधर खाना पकाने का सिस्टम है। ये जो दो कमरा है किराया पर लिया है, पूरा मतलब नॉन एसी है, 1200 रुपया करके पर डे, एक रात के लिए 1200, 4 बंदा। और यहाँ से बस 5 मिनट अपोलो हॉस्पिटल है।